माँ कामाख्या देवी टेम्पल दर्शन करके आ रहे हैं। कामाख्या टेम्पल। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई आज हम जाने वाले हैं माँ कामाख्या देवी टेम्पल के दर्शन करने के लिए। और भाई बढ़िया सा प्यारा सा भाई सनराइज हो चुका है भाई, सामने आप देख सकते हैं। और अभी भाई हम लोग रेडी हो चुके हैं, फटाफट नहा धो के रेडी हो चुके हैं, अब निकलने हैं माँ कामाख्या के दर्शन करने के लिए। और भाई अपना टेंट भाई दो दिन से ऐसे ही लगा हुआ है, क्योंकि हम भाई यहाँ तीन चार दिन हम यहाँ रहने वाले थे, इसलिए हमने टेंट फोल्ड ही नहीं करा अपना। और मज़े में भाई रह रहे हैं यहाँ पर। और ये देखो अपना टेंट। और अजय भाई लग रहे हैं भाई एडिटिंग करने में। हमने पता टेंट इसलिए लगा रखा है क्योंकि अब मच्छर भाई भर भर के मच्छर है, भर भर के मच्छर है। अगर आप टेंट ना लगाओ ना तो भाई मच्छर आपको ऐसे रात भर में आपका खून चूस जाएंगे पूरा, ऐसे ऐसे मच्छर है। तो अभी फटाफट रेडी होते हैं और निकलते हैं आगे की ओर। और धूप निकलने वाली है भाई, मस्त वाली धूप निकलेगी, देख सकते हो आप। तो चलो भाई फटाफट रेडी होते हैं, मिलते हैं आपको कुछ समय के बाद। तो भाई अभी आ चुके हैं हम लोग मेन रोड पे माँ कामाख्या देवी के दर्शन करने के लिए। ये है भाई रोड, और मेरे बराबर में चल रही है भाई रेलवे लाइन। तो फटाफट चलते हैं भाई, कराते हैं आपको दर्शन। भाई सुबह सुबह यार इस रोड पे बहुत ज़्यादा जाम लग जाता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि यार कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ना, नया ब्रिज बन रहा है, इस वजह से भाई बहुत ज़्यादा जाम लग जाता है। सामने आप देख सकते हैं भाई जाम लगना शुरू हो चुका है। तो भाई अभी हम आ चुके हैं माँ कामाख्या देवी टेम्पल के मेन गेट पर, यहीं से अपनी यात्रा शुरू होती है। और यात्रा जो है भाई हमारी 3.5 किलोमीटर की होने वाली है। ये देख सकते हो भाई, ये है मेन गेट। और भाई हम पहली बार पहाड़ों में, वो भी मंदिर के मंदिर में अपनी साइकिल ले जाने वाले हैं भाई। वैष्णो देवी हम जाते हैं वो पैदल जाते हैं, वो भी पहाड़ों पे, पर आज हम साइकिल ले जाने वाले हैं, जो कि भाई पहाड़ों में है मंदिर और उसकी भी चढ़ाई एकदम खड़ी है भाई। तो फटाफट चलते हैं, देख सकते हो भाई ये है मेन गेट, यहाँ से अपनी यात्रा शुरू होती है। फटाफट चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं माँ कामाख्या के। और हाँ आपको एक बात बता दूँ, यहाँ पर भाई आप टैक्सी या बस से भी जा सकते हैं, उसका फेयर बस का 20 रुपये है, टैक्सी का मुझे मालूम नहीं, आप जब भी आएंगे तो पता कर सकते हैं कितना फेयर है भाई। चलो भाई अपनी यात्रा शुरू हो चुकी है। और ये रे भाई चढ़ाई देख सकते हो भाई, साइकिल तो हम चला पा रहे हैं, मुझे ये नहीं पता कितनी चढ़ाई है, आगे आगे बताएंगे आपको कि चढ़ाई कितनी है कितनी नहीं भाई। ये देख तो काफ़ी मज़ा आ रहा है यार, पहली बार हम कहीं मंदिर में अपनी साइकिल लेके जा रहे हैं, भगवान मनोकामना पूरी करना जो हम मांगे। और धूप भी निकल ली है भाई अच्छी खासी, फटाफट चलते हैं। तो भाई खड़ी चढ़ाई स्टार्ट हो गई है भाई, देख रहे हो पैदल ले जानी पड़ रही है साइकिल, ये देखो कितनी ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है। ओह माय गॉड, पर यार कोई नहीं, हम लेके जाएंगे। कामाख्या मंदिर देखो 2.4 किलोमीटर है यहाँ से, फटाफट चलते हैं आगे की ओर। तो भाई अभी थोड़ा आगे चल के 1 किलोमीटर की राइड करके हम लोग थोड़ा रुक चुके हैं भाई, थोड़ा आराम करने के लिए, क्योंकि यार भाई बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है पीछे, मतलब 1 किलोमीटर तक बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई आई उसने भाई, दार्जिलिंग की याद दिला दी यार। पर अब जो है ना, अब एकदम सही रास्ता है, मज़ा आ रहा है साइकिल चलाने में। और भाई जो रोड है ना यहाँ का भाई एकदम नीट एंड क्लीन है भाई, एकदम मस्त रोड है, आप देख सकते हैं भाई आपको एक भी कूड़ा कचरा नज़र नहीं आएगा इस रोड पर। और जो हमारा यहाँ से कामाख्या टेम्पल रह गया वो 2 किलोमीटर रह गया, तो मज़ा आ रहा है यार काफ़ी। बस नीचे जो ज़्यादा खड़ी चढ़ाई थी ना, उसमें थोड़ा ऐसा लग रहा भाई आज तो हालत ख़राब, पर जब आगे आते गए तो एकदम मतलब रोड बढ़िया मिल गया, जैसा हमें दार्जिलिंग से आते वक्त रोड मिला था ना, एकदम मस्त ऐसा मिल गया। और फटाफट चलते हैं आगे की ओर। तो भाई फाइनली 3.5 किलोमीटर की राइड करके हम लोग पहुँच चुके हैं माँ कामाख्या देवी टेम्पल के। ये जो आप देख रहे हैं ये पार्किंग एरिया है पूरा, और यहाँ से भाई आप प्रसाद लेके आगे की ओर जा सकते हैं। और फाइनली भाई हमें परमिशन मिल चुकी है कि आप साइकिल लेके जा सकते हैं भाई, बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे पुलिस वाले जब उन्होंने नाम पढ़ा दिल्ली टू नॉर्थ ईस्ट, तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई यार उन्हें। फटाफट चलते हैं यार, पुलिस गुवाहाटी की काफ़ी अच्छी है, देख के यार उन्होंने स्माइल करी, काफ़ी अच्छा लगा हमें। और फटाफट चलते हैं आगे की ओर,
सामने से आप प्रसाद ले सकते हैं भाई। यहाँ से भाई आपको प्रसाद लेना पड़ेगा, उसके बाद आगे जाना पड़ेगा। तो चलो भाई चलते हैं आगे। भाई बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है यार। और यहाँ साधु संत बैठे हुए हैं, यहाँ आपको जो दान करना हो आप कर सकते हैं इन्हें। तो भाई हमने अपनी साइकिलें पार कर चुके हैं और अब देखते हैं क्या करना है क्या नहीं, प्रसाद लेना है कि क्या करना है यार। पता क्या उस ट्राई पर ना ऐसे सर के ऊपर से उठा सकते हैं, ये तो है फायदा होता है। अभी करते हैं यहाँ से अपनी एंट्री दर्शन के लिए। तो भाई अभी आ चुके हैं माता कामाख्या देवी के दर्शन करने के लिए। और भाई आप मेरे पीछे देख रहे हो ये लाइन, भाई कितनी ज़्यादा भीड़ है आप देख सकते हो। भाई यहाँ भाई लोग सुबह 2-3 बजे आ जाते हैं और लाइन में लग के फिर दर्शन हो पाते हैं इनके। भाई काफ़ी टाइम लग जाता है दर्शन करने के लिए। भाई बहुत बड़ा मंदिर है, काफ़ी मान्यता है भाई इस मंदिर की। आप देख सकते हो भाई भीड़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी ज़्यादा मान्यता होगी। ये देखो भाई सभी लोग, भाई यहाँ पर भाई बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, भाई सबकी मान्यता होती है। तो भाई सभी भक्त अपनी मनोकामना लेके आते हैं यहाँ माँ कामाख्या देवी टेम्पल में कि भाई जो उनकी मनोकामना है वो पूरी हो जाए यार। और मैंने सुना है यहाँ मतलब सच्चे दिल से आप जो भी मांगोगे वो ज़रूर पूरा होएगा भाई। तो भाई इस मंदिर के इतिहास के बारे में बात किया जाए तो जब देवी सती अपने योग शक्ति से अपना देह त्याग दी थी तो भगवान शिव उनको लेकर घूमने लगे थे और उसके बाद भगवान विष्णु अपने चक्र से उनका देह काटते गए तो नीलाचल पहाड़ी में भगवती सती की योनि गर्भ गिर गई और उस योनि गर्भ ने एक देवी का रूप धारण किया जिसे देवी कामाख्या कहा जाता है। तो भाई ये है भाई, ये देख सकते हो आप। पर लोग दर्शन करने के लिए भाई सुबह से 3-4 बजे से लाइन में लग के और कम से कम शाम तक उनके दर्शन हो पाते हैं भाई। पूरी मनोकामना से आते हैं भाई लोग, जो उनकी मनोकामना होती है वो भगवान माँ कामाख्या पूरी करें। तो भाई कहा जाता है कि आपकी जो भी मनोकामना होती है वो यहाँ पर आप बकरा लाके, जैसे बकरे की आप गर्दन कटवाते हो ना यार, उससे आपकी मनोकामना पूरी होती है। तो यार ऐसा क्या है यार भाई, एक जीव की आप हत्या करके अपनी मनोकामना पूरी कर रहे हैं भाई, सरासर ये भाई बहुत बड़ा पाप है। मैं तो नहीं कह सकता कि भाई ऐसे आपकी मनोकामना पूरी होती है यार। माय गॉड भाई, रोंगटे खड़े हो गए जब हमने अपनी आँखों से देखा यार। एकदम ही भाई तलवार रख देते हैं एकदम ही, ये तो भाई सरासर गलत है यार। देख सकते हो भाई कितने सारे बकरे हैं यहाँ पर और सबकी यहाँ पर बलि दी जाती है यहाँ पर। और भाई कामाख्या मंदिर में एक ये तालाब है, यहाँ आप अपने हाथ पैर धो के अपने शरीर पे छींटे मार सकते हैं। ये एक तालाब है और वो जा रही है भाई लाइन मंदिर के लिए, बहुत लंबी लाइन है भाई, देख रहे हो कितनी बड़ी लाइन है। तो भाई ये है मंदिर, सभी लोग दर्शन करके आ रहे हैं। मोबाइल रखने ये देखो भाई। और यहाँ भाई आप दिए जला सकते हैं अपने मनोकामना के लिए।
चलो भाई अच्छे से दर्शन करके हम लोग आ चुके हैं। पर यार अगर आपको आना तो भाई सुबह 2 या 3 बजे आना, जब जाके आपको आपका नंबर दोपहर में 3-4 बजे तक आएगा। हमने अंदर तो दर्शन नहीं करे पर भाई बाहर से ही हमने हाथ जोड़ लिए, काफ़ी अच्छा लगा यार बस। और ये है भाई टेम्पल, अभी सब लोग बैठे हैं धूप में आराम से। और अभी 12 बजे जो है खाना स्टार्ट होगा, जो भोजन होता है वो स्टार्ट होगा, उसके लिए हम थोड़ा रुके हैं, फिर हम जाएंगे आगे की तरफ। तो भाई अभी हम लोग जा रहे थे भोजन करने के लिए, पर भोजन से पहले भाई आपको एक कूपन मिलता है, उसके लिए भाई आपको लाइन लगानी पड़ती है। उसके लिए भाई सभी लोग आ चुके हैं। और ये देखो कितनी बढ़िया व्यवस्था करवा रखी है, आप यहाँ आराम से बैठो, उसके बाद आप कूपन लेके उस तरफ जाओ सामने। तो भाई ये है कूपन कामाख्या देवालय अन्न सेवा का, ये देख सकते हो भाई, आपको यहाँ से कूपन मिलेगा और उसके बाद आपको लगना है इस वाली लाइन में। सभी लोग लग चुके हैं भाई लाइन में और फटाफट हम भी लगते हैं लाइन में। इस कूपन से आप भाई भोजन कर सकते हैं माँ कामाख्या टेंपल के बाहर, यहाँ से लेना पड़ेगा आपको कूपन। और उस तरफ जो पब्लिक जा रही है उस तरफ हमें जाना है भोजन करने के लिए। तो भाई ये आ चुका है अपना खाना, खाने में भाई खिचड़ी है और आलू सोयाबीन की सब्जी, साथ में खीर है और साथ में पापड़ है, ये देख सकते हो भाई आप भोजन, फटाफट एंजॉय करते हैं। चलो भाई भोजन भोजन करके अब लोग हम लोग लौट रहे हैं वापस। ये भाई देखो आपको बैम्बू से बने हुए यहाँ पर पर्स मिल जाएंगे, वॉलेट कुछ भी आप ले सकते हो बैम्बू से बने हुए। जय हिंद, जय हिंद, ठीक हो? जर्नी कैसी रही आपकी? बहुत बहुत अच्छा, मजा आया? जी जी जी। तो अब आ चुके हैं भैया कामाख्या टेंपल, यहाँ दर्शन करेंगे, उसके बाद भैया आप मेरे पास रुकना ठीक है, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के पास आके मुझे कॉल कर देना, ठीक है? ठीक, गुरुद्वारे के पास आ जाना आप, मैं लेने आ जाऊंगा आपको, ठीक है? ठीक है, आप गुरुद्वारे में रुके? हाँ हाँ, गुरुद्वारे के पास आ जाना, ठीक है? ठीक है, तो चलो भाई चलते हैं, करते हैं अपने सफर की शुरुआत। खैर ढलान में मज़ा तो बहुत आता है पर थोड़ा संभल के भी चलाना पड़ता है भाई, क्योंकि हादसा होने में 1 मिनट नहीं लगता भाई, ऐसी ढलान है ये देखो। और बिना पैंडल मारे देखो साइकिल अपनी भाग रही है, ओए देखो, देखो 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 देखो, मैं ऐसे कहता हूँ। अब देखो इधर से एक कार आ रही और सामने से एक कार आ रही थी, तो बस यही हमें ध्यान देना है, बाकी तो अपनी जर्नी मज़े में हो जाएगी। ये देखो भाई मस्त भाग रही है साइकिल, ये देखो ऐसे हमें ध्यान देना है बस ब्रेक का, मतलब ये हमें 50 मीटर की दूरी बनाए रखनी है गाड़ी से, बस फटाफट चलते हैं। भैया मिले थे हमें जो कि कहाँ से हो भैया आप? जो कि आगरा से हैं। हेलो भाई कैसे हो? तो भाई इन इन भाई का भी एक ड्रीम है कि यार पूरा भारत यात्रा करना, वो भी साइकिल से। उम्र कितनी है आपकी? तो भाई अभी इनकी उम्र 12 इयर्स है। भाई मैं ये चाहता हूँ कि अभी इनकी उम्र है भाई पढ़ाई की उम्र है, मैं चाहता हूँ ये अभी पढ़े, जब तक इनका मन है पढ़ने का जब तक पढ़े, जब इनका क्योंकि यार 18 इयर्स के बाद आप कुछ भी कर सकते हो, उसके बाद ही आपको कदम उठाना चाहिए कि आपको करना क्या है। आपकी 12th पास हो जाए यार बस ये ठीक है, बाकी यार भाई की उम्र देखो 12 साल है और तजुर्बा देखो कितना है यार, तो भाई एक ना एक दिन यार आप भी करोगे भाई, जैसे हम कर रहे हैं ना आज, आप भी नाम रोशन करोगे। लोग बहुत हेल्प करते हैं बहुत ज़्यादा, कभी निकलना पर पहले अपनी पढ़ाई में ध्यान दो, ठीक है? ठीक है, बात तो कर रहे हैं, बात कर रहे थे, झगड़ा बोल, कुछ क्या बोलो, कुछ कहना चाहते हो? क्या बोलो? अरे बट तो भाई हमें देख के ना भाई बहुत ज्यादा खुश हुआ था यार, बहुत ज्यादा। अपना नाम तो होता था एक बार शिवा। तो भाई बहुत ज्यादा खुश हुआ था भाई यार, हम भी चाहते हैं कि भाई जैसे हम ट्रैवल कर रहे हैं भाई, आगे आने वाली जनरेशन जरूर ट्रैवल करे यार, क्योंकि हर किसी का सपना होता है भाई नॉलेज बढ़ता है घूमने का, इससे भाई नॉलेज बहुत बढ़ती है कि हम लोगों से मिल पाते हैं, जगह एक्सप्लोर कर पाते हैं। और हम देखो भाई साइकिल से कामाख्या देवी टेंपल के दर्शन करके आ रहे हैं, 3.5 किलोमीटर की हमारी जर्नी थी और मज़ा आ रहा है भाई। और भाई यहाँ से आप व्यू देखो, व्यू कितना अच्छा लगता है, वो सामने भाई मेन रोड जा रही है और नज़ारा देखो आप, नज़ारा कितना अच्छा है, बाकी थोड़ा थोड़ा फोगी है यार इसलिए आपको अच्छे से नज़र नहीं आ रहा होगा, पर भाई वाकई में यार बहुत बढ़िया लग रहा है देखने में। तो चलो भाई पहुंच चुके हैं जहाँ से हमने अपनी यात्रा शुरू करी थी, भगवान बस इतनी कृपा बनाए रखना कि जब भी हम गुवाहाटी आए तो आपके दर्शन करने ज़रूर आए यार। तो अभी चलते हैं
और अभी हमारा प्लान है भाई अपने इंडोनोमैटिक की जो साइकिल है उसे सर्विस करवाने जाना है। वो यहाँ से आप 15-16 किलोमीटर है, तो फटाफट चलते हैं भाई। तो भाई अभी मैं आ चुका हूँ स्पोक हब साइकिलिंग में, मुझे अपनी साइकिल सर्विस करवानी है। इसलिए हमें एक संदीप सर मिले थे, उन्होंने हमें ऑफ़र किया है कि आप अपनी साइकिल सर्विस करा सकते हैं हमारी तरफ से, तो थैंक यू सो मच सर। और अभी चलते हैं, अभी अपने इंडोनोमैटिक भी अपनी साइकिल सर्विस करा रहे हैं भाई। ये देखो ये भाई की साइकिल सर्विस करा रहे हैं। तो भाई जब तक अपनी साइकिल सर्विस हो रही है तब तक मैं कंपनी की साइकिल की राइड ले रहा हूँ भाई। ये देखो ये है कंपनी की साइकिल भाई, मस्त चल रही है यार, एकदम पतले पतले टायर वाली है भाई, मज़ा आ रहा है काफ़ी चलाने में। यार बाहर खड़ी हुई थी, मेरा मन कर रहा है यार चलो एक बार इसे चला के देखूं, तो कंपनी वालों ने कह दिया ठीक है आप ले जाओ। चल बढ़िया ये, पर ये होता है ना कि भाई अपनी से हमें आदत है, इसलिए यार हमें सबसे बेस्ट अपनी लगती है भाई, हमें नहीं चलानी और किसी की, अपनी चीज़ सबसे बढ़िया है भाई। फटाफट अपनी सर्विस करवाते हैं, टाइम हो रहा है भाई 3 बजे हैं, कम से कम सर्विस में भाई 2 घंटे तो लगने वाले हैं। कहड़े वाले 2 घंटे लगने वाले हैं भाई। तो भाई जब तक अपनी साइकिल सर्विस हो रही है तब तक हम थोड़ी साइकिल देखते हैं। मैट ब्लैक अच्छा लग रहा है भाई, और इसका प्राइस है भाई 42,000। क्या बात है भाई, बस साइकिल भाई एक नंबर लग रही है, एक नंबर। तो सबसे महंगी साइकिल है ये वाली भाई, ये वाली 1,87,000। और ये रेसिंग साइकिल है, काफ़ी मस्त मस्त साइकिल है, वो ट्रैक कंपनी की है भाई, सारी ट्रैक कंपनी की। देख लो ये कितने की है, ये 90,000। और भाई चीज़ एक नंबर है। मस्त है यार, इसका जो आगे वाली चेन है ना बहुत छोटा है, बाकी ये 29 गियर में है। और ये है भाई एसेसरीज, गोप्रो माउंट भी मिल जाएगा आपको, देखो ये वाला हेलमेट माउंट। तो भाई अभी आ चुकी है अपनी ब्लैक टी, दार्जिलिंग के बाद मैं अब पी रहा हूँ देखो ब्लैक टी। अपनी साइकिल सर्विस हो रही है और हम यहाँ चाय एंजॉय कर रहे हैं। तो भाई अपने इंडो नोमैडिक की तो साइकिल सर्विस हो चुकी है, अब वो गया ट्रायल के लिए देखने कि उसकी साइकिल सही चल रही है नहीं चल रही है। और अब नंबर आ चुका है मेरी साइकिल का, तो सबसे पहले भाई नंबर आता है वॉस का, और भैया कर रहे हैं वॉस अच्छे से, देख सकते हो भाई आप। और उसके बाद जो मेरी साइकिल में छोटी मोटी कमियां हैं वो भैया ठीक करेंगे। तो भाई अभी यहाँ हो रहा भाई सरफ से धुलाई अपनी साइकिल की, सरफ लग रहा अभी इसके ऊपर, उसके बाद लगेगा इसमें पानी। चमक गई भाई साइकिल, एक बात है सर्विस से। तो भाई अभी वॉश होके आ चुके अपनी साइकिल सर्विस के लिए। ये पता यार ये टायर ना इसमें अड़ जाता है, इसलिए मैं थोड़ा सर्विस करवा रहा हूँ इसे, वरना मैं नहीं करवाता सर्विस। और थोड़ा मेरा टायर थोड़ा जाम सा चल रहा है इसलिए। भाई भैया यार एक नंबर की सर्विस कर रहे हैं, एक नंबर की, मज़ा आ रहा है यार। हम भी कुछ भैया से हम भी कुछ सीख रहे हैं यार, ताकि आगे हमें प्रॉब्लम ना हो। भाई अपना टायर खुल चुका है, ये रहा अपना टायर, और इसमें भी थोड़ा दिक्कत आ रही थी, भैया कह रहे इसमें मैं ठीक कर दूंगा। भाई वॉश होके ना भाई साइकिल एकदम चमक रही है भाई, एकदम मस्त लग रही है, एकदम जैसे नई आई थी ना निकल के शोरूम से, ऐसी लग रही है। तो भाई अपनी साइकिल सर्विस हो चुकी है पूरी, और यार एकदम मस्त चल रही है। तो गाइस अपनी साइकिल सर्विस हो चुकी है, और ये थे भैया जिन्होंने अपनी साइकिल सर्विस करी, बहुत अच्छी करी है भैया, थैंक यू सो मच। और ये मैम ओनर है यहाँ की, थैंक यू मैम। तो भाई अभी हम आ चुके हैं फायरफॉक्स के शोरूम पे, ये देख सकते हो आप भाई, ये है फायरफॉक्स का शोरूम। और जो संदीप झा सर थे ना भाई, वो फायरफॉक्स की कंपनी में सेल्स मैनेजर थे, तो उन्होंने हमारी इतनी हेल्प करी, थैंक यू सो मच सर हेल्प करने के लिए। तो भाई अभी हम चलते हैं फायरफॉक्स के अंदर। तो भाई ये है भैया जो फायरफॉक्स कंपनी में
जॉब करते हैं। आपका नाम भैया? मेरा नाम मोहम्मद शाहजान अली। तो आप यहाँ का क्या क्या काम करते हैं? मैं यहाँ का टेक्नीशियन हूँ। अच्छा, और सेल्फी करते हो? फायरफॉक्स बाइक। जी जी, सेलमैन भी हूँ, सर्विस भी करते हो बस ऐसे। और तो चलो भाई गाइस, हम अंदर चल के एक बार फायरफॉक्स की साइकिलें देखते हैं कैसे हैं। तो भाई ये देख सकते हैं आप, ये है फायरफॉक्स की साइकिल्स। इसमें आपको 21 गियर्स मिल जाएंगे और डिस्क ब्रेक, और साथ में भाई सोकर्स भी हैं। वाह यार, बहुत अच्छी लग रही है भाई फायरफॉक्स की साइकिल। भाई वाकई में अमेजिंग है यार, एकदम अमेजिंग। जिसे कहते हैं ना साइकिल, वो साइकिल है भाई फायरफॉक्स। ये आप देख सकते हैं भाई, तब जितनी भी आपको नज़र आ रही है, ये फायरफॉक्स का ब्रांड ही है भाई। और यहाँ आपको भाई आपको बैग्स भी मिल जाएंगे और साथ में हेलमेट्स भी मिल जाएंगे आपको। ये देख सकते हैं भाई, ये हेलमेट्स हैं कंपनी के, और साथ में जो आप मोबाइल होल्डर होता है ना बैग, वो भी मिल जाएंगे। ये देख सकते हो भाई आप, भाई बहुत अच्छी अच्छी हैं यार साइकिलें। देख सकते हो भाई आप, कितनी मस्त लग रही हैं देखने में यार। यार हमारा भी सपना है कि एक बड़ी अच्छी साइकिल और लाइट वेट जो है वो वाली साइकिल लेके हम थोड़ा वर्ल्ड टूर कर सके यार, क्योंकि मेरा सपना है भाई वर्ल्ड टूर करने का भाई। साइकिल से एक बार वर्ल्ड टूर करना है मुझे यार, बहुत ज़्यादा मन है मेरा यार। और इसलिए मैं चाहता हूँ यार कि मैं जो साइकिल लूँ वो एकदम लाइट वेट हो, जो मज़ा आ जाए यार चला के, जो लगे हाँ भाई चीज़ है, ब्रांड है, ऐसी साइकिल चाहिए भाई मुझे। और ऐसी भाई, और ये आप देख सकते हो भाई क्या प्रिंट लग रहा है ना साइकिल का भाई, एकदम अमेजिंग। ये देखो भाई कलर देखो आप, कलर एकदम आपको फायरफॉक्स में ना एकदम यूनिक कलर मिलेंगे, यूनिक जिसे कहते हैं ना कलर। ये देखो भाई आप, और जो ये जो इसका प्रिंट है ना, ये प्रिंट अंदर है, ये छूटेगा नहीं, है हटेगा नहीं प्रिंट ये। भाई ये चेक करो यार, ये रेसिंग साइकिल है फायरफॉक्स की। वाह भाई मज़ा आ गया यार। तो संदीप सर, आपके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें ये मौका दिया। और भाई फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं गुवाहाटी फैंसी मार्केट में। और भाई सबसे पहले यार हम लोग खा रहे हैं खाना, क्योंकि यार भूख बहुत तेज़ लग रही है यार। भाई सुबह से आपने देखा सिर्फ हमने खिचड़ी खाई थी, उसके बाद से हमने कुछ नहीं खाया, बस साइकिल सर्विस करा के फटाफट हम आ गए यार। रास्ते में कुछ नहीं खाया, इसलिए भाई हम लोगों ने अपने लिए सब्जी और रोटी लगवा ली। ये भाई भैया गरम गरम बनाते हैं भाई, मज़ा आता है। हमें इनके खाने की आदत पड़ गई यार, हम कहीं और जाते ही नहीं हैं। और भैया ठीक हो? भैया भाई अपनी आलू गोभी की बढ़िया सब्जी। चलो यार फटाफट खाते हैं भाई, क्योंकि भूख बहुत तेज़ लग रही है यार सच में। यार हम तो अभी रूम पे भी नहीं गए, सीधा हम यहीं आ गए खाना खाने के लिए। देखो साइकिल ये खड़ी यार अपनी, पहले ये सोच रहे थे कि हम पहले रूम पे जाएंगे, साइकिल खड़ी करेंगे, उसके बाद खाना खाने के लिए आएंगे, पर हम डायरेक्ट यहीं आ गए यार। भूख इतनी तेज़ लग रही थी, पहले जाओ साइकिल खड़ी करो फिर यहाँ आओ। फटाफट खाते हैं यार। तो भाई अब आके सुकून मिला हमें, खाना पीना खा के आ चुके हैं यार, बड़ा मज़ा आया। और चार रोटी खाई यार, भूख आज मिट गई थी भूख। जैसे पता ना जब भूख लगती है और खाना ना मिले तो यार फिर फ़ायदा क्या, फिर बाद में खाना खाने का मज़ा ही नहीं आया यार। तो अभी आ चुके हैं रूम पे वापस। और आज यार भाई कम से कम भाई आज 40 किलोमीटर की हमने राइड कर ली, और जो अपनी साइकिल है ना भाई सर्विस हो गई मज़े से, और एकदम मक्खन चल रही है भाई, मज़ा आ गया यार। तो चलो भाई करते हैं वीडियो को एंड। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।